खून खराबे का करतारपुर से क्या लेना देना भाई, वो जोड़ता है लोगों को, दिलों को आस्था से। जब आदमी पिलग्रिम बन के जाता है उसकी आस्था से वो अलग ही इंसान होता है। तो मुझे जो लगता है कि हमें चिंतन करना चाहिए और इस जड़ तक पहुंचना चाहिए और जड़ को निकाल फेंकना चाहिए, और इसके लिए सब इकट्ठे होके, एकजुट होके, एकमुठ होके, इंटरनेशनल कम्युनिटी इकट्ठी होके बातचीत करें और इंटरनेशनल प्रेशर पर आए। सर, अगर शहादत की बात करें, हमारे जवान पंजाब से जी किस तरह से श्रद्धांजलि, मैं कहता हूँ भरपाई तो हो नहीं सकती, लेकिन चाहे पंजाब का हो, चाहे बंगाल का हो, चाहे का है, तो वो हिंदुस्तानी, वो हमारे लहू का हिस्सा है, हमारे परिवार में वो सर्वोच्च है, क्योंकि वो हमारे लिए जाने देते हैं, हमें महफूज रखने के लिए, रातों की नींद हमारी अगर है तो उनकी वजह से है। सो वो मुझे लगता है कि उन्हें दुनिया का सबसे बड़ा ऑनर मिलना चाहिए और उनके परिवारों को सहयोग मिलना चाहिए कि इस दुख के समय पे बहुत से कंधे हैं जो ये दुख बांटेंगे।
सबसे पहले मैं पुलवामा के आतंकी हमले में शहीद जवानों को आदरपूर्वक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। उन्होंने देश की सेवा करते हुए अपने प्राण न्योछावर किए हैं। दुख की इस घड़ी में मेरी और हर भारतीय की संवेदनाएं उनके परिवार के साथ है। इस हमले की वजह से देश में जितना आक्रोश है, लोगों का खून खौल रहा है, ये मैं भली भांति समझ पा रहा हूं। इस समय जो देश की अपेक्षाएं हैं, कुछ कर गुजरने की भावनाएं हैं, वो भी स्वाभाविक है। हमारे सुरक्षा बलों को पूर्ण स्वतंत्रता दे दी गई है। हमें अपने सैनिकों के शौर्य पर, उनकी बहादुरी पर पूरा भरोसा है। मुझे पूरा भरोसा है कि देशभक्ति के रंग में रंगे लोग सही जानकारियां भी हमारी एजेंसियों तक पहुंचाएंगे, ताकि आतंक को कुचलने में हमारी लड़ाई और तेज हो सके। मैं आतंकी संगठनों को और उनके सरपरस्तों को कहना चाहता हूं कि वे बहुत बड़ी गलती कर चुके हैं। बहुत बड़ी कीमत उनको चुकानी पड़ेगी। मैं देश को भरोसा देता हूं कि हमले के पीछे जो ताकतें हैं, इस हमले के पीछे जो भी गुनहगार है, उन्हें उनके किए की सजा अवश्य मिलेगी। जो हमारी आलोचना कर रहे हैं, उनकी भावनाओं का भी मैं आदर करता हूं, उनकी भावनाओं को मैं भी समझ पाता हूं, और आलोचना करने का उनका पूरा अधिकार भी है। लेकिन मेरा सभी साथियों से अनुरोध है कि ये वक्त बहुत ही संवेदनशील और भावुक पल है। पक्ष में या विपक्ष में, हम सब राजनीतिक छींटाकशी से दूर रहें। इस हमले का देश एकजुट होकर के मुकाबला कर रहा है।